और अब एक गंभीर खबर जो उत्तराखंड से है। पहाड़ों पर दर्जनों नदियों के बावजूद वहां पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है और इसे लेकर ठोस कदम उठाने की आवाज भी उठने लगी है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो पहाड़ में जल संकट और गहरा जाएगा। उत्तराखंड में दर्जनों नदियां हैं, सैकड़ों की तादाद में ताल पोखर हैं, लेकिन फिर भी जल संकट है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि जहां कई जलधाराएं 12 मास प्रवाहित होती थी, अब बरसाती नदियों में तब्दील हो गई हैं। वहीं कुछ वक्त पहले तक जहां बोरिंग के लिए 60 से 70 फीट पर पानी मिल जाता था, वहीं अब 350 फीट की गहराई पर भी पानी नहीं मिल पा रहा। उत्तराखंड के बरसाती बन सारे खत्म हो चुके हैं और 31% से अधिक जमीन पर इस समय जो है चीड़ और दूसरे तरह के जो वनस्पतियां हैं आ गई हैं जो पानी को धारण नहीं करती, और इस तरह से स्रोत खत्म हुए, फिर बरसाती जंगल खत्म हुए। असल में अकेले पौड़ी में नयार, कोल्लू, मालन और सुखरू जैसी नदियां हैं जो या तो सूख चुकी हैं या फिर इन नदियों में पानी बहुत कम हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुताबिक पहले जल संग्रहण में ग्रामीण अहम भूमिका निभाते थे। इसके लिए नौले और धारे बनाए गए थे। कई जगहों पर छोटे छोटे जल कुंड बनाए जाते थे। ग्रामीण नदियों में पानी रोकने की भी कोशिश करते थे, लेकिन अब सरकारी धन इन कामों के लिए मिलने लगा है जिससे ग्रामीण अब इससे दूर होने लगे हैं, जबकि जो धन मिलता है उसकी बंदरबांट किसी से छिपी नहीं। हमारे यहाँ लगातार घटते हुए वन है जिसकी वजह से अब नदी में वैसे ही पानी कम आना शुरू हो गया था, और जिस तरह से अब ये खनन जो है अवैज्ञानिक तरीके से हो रहा था, इसने आग में घी डालने का काम किया है। पर जगह जगह चेक डैम बनाए और चार खाल का उपयोग कर रहे हैं जिससे आने वाला जो मानसून है वो ज़्यादा देर तक पानी उसमें रुका रहे मानसून में, और उस मानसून में पानी रुकने की वजह से सबसे बड़ी बात होगी जो हमारे नौले हैं वो रिचार्ज होंगे। असल में बीते कुछ सालों में नदियों का दोहन तेजी से बढ़ रहा है, खासकर रेता बजरी का खनन होने से नदियां रिचार्ज नहीं हो पा रही और तेजी से सूख रही हैं। वहीं खेती से मोह भंग भी तेजी से हो रहा है जिससे खेत भी बंजर हो रहे हैं। इसके जरिए जो पानी जमीन में पहुंचता था वो बह जाता है। यही वजह है कि नदियां सूख रही हैं और जल संकट बढ़ रहा है। पौड़ी से विनोद कांडपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।